हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठिन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स के बारे में। ईस्टर्न घाट्स, देखो ईस्टर्न घाट्स आप मैप पे देख सकते हैं किन किन स्टेट से गुजरते हैं। दोस्तों, ईस्टर्न घाट्स पे ख़तरा बढ़ता ही जा रहा है। ख़तरा क्या है, उससे पहले ये जान लेते हैं ईस्टर्न घाट्स के बारे में। इंडिया का लैंडमार्क डिफरेंट जियोग्राफिक डिविजन्स में बटा हुआ है। द ग्रेट हिमालयाज, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट नीचे आएगा, अलग से ये लिखना है ना। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टर्न प्लेन्स, द आइसलैंड ग्रुप्स। अभी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है अपना, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है अपना, एक ट्रायंगुलर लैंडमास है। एक तरफ वेस्टर्न घाट्स है, एक तरफ ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है। इधर ईस्टर्न घाट्स है, आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट्स उड़ीसा से तेलंगाना में भी गुजरते हैं, ये आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी, तमिलनाडु में भी। ईस्टर्न घाट्स की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। देखो, ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न कोस्टर्न प्लेन पे हैं, डिसकंटिन्यूअस है नेचर में। इनकी रिवर्स जहाँ से जो ओरिजिनेट होती है बंगाल में जाती है। वैसे वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हैं और काफ़ी रिवर्स कंटिन्यूअस भी हैं, है ना। यहाँ पे रिवर्स सबसे ज़्यादा ओरिजिन होती है, और लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स है उसमें रिवर्स कम है, और साथ में यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जो घाट्स हैं, वो डिसकंटिन्यूअस हैं। और दूसरी बात, वेस्टर्न घाट्स में रिवर्स है ज़्यादा, साथ में जो एलिवेशन में भी वेस्टर्न घाट्स काफ़ी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले। एलिवेशन में ईस्टर्न घाट्स कम है वेस्टर्न घाट्स से, ठीक है। तो अनामुडी जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की, उसकी हाइट है 2695 मीटर, और जो महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट्स की, उसकी है 150 मीटर। तो आप देख लो, तो जो वेस्टर्न घाट्स है वो एलिवेशन में भी ऊँचे हैं, रिवर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, और कंटिन्यूस भी है नेचर में। तो ये डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, ईस्टर्न घाट्स की हम बात कर रहे थे, तो ईस्टर्न घाट्स में आपको बता दूँ कि जो राइस वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगता है, और वहाँ का स्टेपल फूड है ये, मतलब घर घर में खाया जाता है, आसानी से अवेलेबल होता है। नीलगिरी हिल्स पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, ये ध्यान रखना। नीलगिरी हिल्स में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। अच्छा, दिक्कत क्या आ रही है, देखो ईस्टर्न घाट्स में आप देखेंगे ईस्टर्न घाट्स इन स्टेट से गुजरती है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। ईस्टर्न घाट्स एक खुद का यूनिक सिस्टम है। 450 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज यहाँ पे रहते हैं, और मोस्ट एक्सप्लॉइटेड डिग्रेडेड इकोसिस्टम से इंडिया का, यानी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए गए हैं यहाँ से। अब डिटेल में इसकी बात करता हूँ, क्योंकि देखो एंथ्रोपोलॉजिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मतलब एग्रीकल्चर पे एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन पे अर्बनाइजेशन, माइनिंग, डिफोरेस्टेशन, इस वजह से इकोलॉजी खतरे में। अगर इंडिविजुअल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की मैं बात करूं, या फिर माइनिंग देख लो, अर्बनाइजेशन देख लो, डैम कंस्ट्रक्शन देख लो, फायरवुड कलेक्शन, पेड़ों को काट दिया जाता है लकड़ियों के लिए, और स्लैश और जो बर्न, जो झूम कल्टीवेशन जिसे मैं बोलता हूं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे का। टूरिज्म भी एक कारण है, चिंता का विषय है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन 2050 तक ईस्टर्न घाट्स में 2.6 मिलियन पहुंच जाएगी, अभी 26 लाख पहुंच जाएंगी। तो वहाँ पे जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के रूप में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोग आएंगे तो खाना चाहिए, खाने के लिए ज़मीन क्लियर करनी पड़ेगी, जंगलों को काटना पड़ेगा एग्रीकल्चर के लिए, फिर वहाँ पे लोग रहेंगे, कचरा फैलाएंगे, पोल्यूशन करेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, उनको पानी चाहिए तो डैम वैम बनाने पड़ेंगे। तो कई चीज़ें इनसे एंथ्रोपोलॉजिक खतरा बढ़ता जा रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जिस तरीके से फूड रोड और अदर एक्टिविटीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है, जो हैबिटाट्स हैं वहाँ के एंडेमिक और रेयर इंडेंजर्ड थ्रेटन्ड स्पीसीज़ के, वो खतरा बढ़ता जा रहा है उन पे। द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ ईस्टर्न घाट्स आर फाउंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्योर एरियाज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ कालाहांडी, महेंद्रगिरी, नल्लमलाई, सेशाशलम, कोली एंड करलन हिल फॉरेस्ट। ये जो हिल फॉरेस्ट है, यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं कालाहांडी, महेंद्रगिरी वगैरह में। और ये जो रेयर इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीसीज़ का ग्रुप है, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि जंगल के अंदर ही है,
ये बाउंड्रीज़ फॉरेस्ट के बाउंड्रीज़ पे भी हैं। तो इंसान फॉरेस्ट की बाउंड्री पे भी रहता है ना, सबसे पहले फॉरेस्ट पे आके अपना अधिकार जमाना शुरू करता है बाउंड्री पे आके, तो वहीं पे भी हमारी स्पीसीज़ भी हैं, तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा वहाँ पे बना हुआ रहता है। सॉरी, और फियर्स है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से स्पीसीज़ लॉस भी होगा। तो जो स्टडी हुई थी अभी, उससे पता चला कि जो टूरिज्म है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज का तो है ही, क्लाइमेट चेंज की मैं बात करूँ तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ने के चांसेस है। 2050 तक 1.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, 2070 तक 1.98 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। रेनफॉल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इससे जो है फ्लड्स वगैरह के खतरे आते जाएंगे। और जिस तरीके से रीजनल और लोकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नॉन रेनी डेज बढ़ते जा रहे हैं और टेम्परेचर जो है काफ़ी एक्सट्रीम निकल के आ रहा है, सोइल मॉइस्चर का लॉस हो रहा है, सोइल डिग्रेडेशन हो रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ने से, मॉइस्चर रिड्यूस होने से फॉरेस्ट फायर ज़्यादा बढ़ जाती है, और फॉरेस्ट फायर बढ़ जाती है तो वहाँ पर जो स्पीसीज़ हैं उनके रहने लायक वो जगह होती नहीं है। अब ये जो स्टडी हुई, इससे ये सब चीज़ें हमको पता चली कि बहुत चीज़ें हमको करनी पड़ेगी ताकि जो है हम ईस्टर्न घाट्स को हमारे बचा सकें। तो कुछ सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इनको आप अपने मेंस के आंसर में डाल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव से कहीं, और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को अलग से फोकस करना चाहिए ईस्टर्न घाट्स पे, मिनिस्ट्री के तो हैं ही, खास करके जो रेयर इंडेंजर्ड और थिएटर स्पीसीज़ हैं उन पे, और साइंटिफिक स्टडीज़ होनी चाहिए जिसमें हम लार्ज स्पीसीज़ इन्वेंट्री सेटअप कर सके और देख सके कि कौन कौन सी स्पीसीज़ है, किन किन को बचाया जा चुका है और कैसे बचाना चाहिए, किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है, उसको नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ की बाउंड्रीज रिडिफाइन करनी चाहिए। अब रिडिफाइन करने के लिए उनको ये देखना चाहिए कि स्पीसीज़ कहाँ तक आ रही हैं। भाई कोई जानवर है, रेयर है, थ्रेटन्ड है, जो ज़रूरी है वहाँ के एनिमल स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, वो कहाँ तक फैली हुई है, उस हिसाब से जो है कंजर्वेशन एफर्ट्स यहाँ पे होने चाहिए। टूरिज्म होना चाहिए, लेकिन वो इको टूरिज्म होना चाहिए जिसमें रेगुलेटरी गाइडलाइंस होनी चाहिए। लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि भैया टूरिज्म करो, लेकिन साथ ही साथ कंजर्वेशन भी करते चलो, नेचर की इज्जत भी करते चलो। अब इसको स्टेट के द्वारा इंकरेज और सपोर्ट किया जाना चाहिए इको टूरिज्म का। इको टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कभी किसी और वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। गाइस, ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।